सब्सक्राइब द चैनल ब्लॉगर भाई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय अशोका हॉस्पिटल हरनोटा, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर जसूर। ज्वाली विधानसभा की पंचायत धरकाटी में सैनिक के घर पैदा हुई बेटी काव्य वर्षा ने वो कमाल कर दिखाया है जो दूसरों के लिए सबक बन के रह गया। काव्य वर्षा को करीबन 8 साल की आयु में एक ऐसा बुखार आया कि जिंदगी ही बदल गई। तब से उसके बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी, और जिस पर ईश्वर की मेहरबानी होती है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर इस बुखार ने काव्य को एक दिव्यांग बना दिया और तब से लेकर आज तक उसे घर पर रहने को मजबूर कर दिया। घर वालों ने काव्य की परवरिश बहुत ही सराहनीय तरीके से की और उसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वह दूसरों से कम है। काव्य चल फिर नहीं सकती, इसके चलते वह पढ़ नहीं सकी, मगर काव्य ने घर पर ही रहकर मोबाइल से पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे कविताओं और गाने लिखना सीख लिए, जो अपने आप में एक करिश्मा से कम नहीं है। आज काव्य द्वारा लिखी गई कविताएँ कई मैगजीन में छप रही हैं और जल्द ही इनके द्वारा लिखे हुए गाने भी आने वाले हैं। काव्य वर्षा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर इस बीमारी के चलते सब अधूरा रह गया। पर मेरी हिम्मत सोच ने हार नहीं मानी और मोबाइल से पढ़ना लिखना शुरू किया और इनकी मदद से धीरे धीरे सीख गई। पर मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर लिख नहीं सकती, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोच और विचारों को कविताओं और गानों के माध्यम से प्रकट करना शुरू किया। क्योंकि जब मैं सोचती थी कि हनुमान चालीसा भी तो किसी ने लिखा है, बस इसी प्रेरणा से तो मैं कुछ धार्मिक और कुछ सोच कर लिखना शुरू कर देती थी। आज मेरे द्वारा लिखी कविताओं कई मैगजीन में छप रही हैं, बहुत जल्द मेरे द्वारा लिखे गाने भी आ जाएंगे। काव्य ने यह भी कहा कि अगर लगन, जुनून और हिम्मत और खुद पर विश्वास हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। मेरा नाम काव्य वर्षा है और मैं 38 साल की हूँ अभी। शौक तो मुझे बचपन से था, जब 8 साल की थी पर पढ़ाई का शौक ज़्यादा था, कविता की तरफ ध्यान नहीं दिया अभी। ये तो अभी जब 28 साल की हुई तब भाभी ने कहा कि तुम्हें खुद से ही करना होगा जो करना है, तुम्हारा कल नहीं आएगा वरना। बस फिर लिखना तब भी नहीं आता था, फिर सोचा कि हनुमान चालीसा भी तो किसी ने लिखी है तो मैं क्यों ना पढ़ूँ। बस पढ़ने का भी यही था कि धार्मिक चीज़ें सुनती थी, बाकी मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं था, ना कोई किताब ना कोई कविता। वैसे यहीं से शुरू कर दिया। कौन कौन से साहित्य लिखे हैं आपने इस समय? कुछ कविताएँ हैं जिनका भी मैं बता नहीं सकती, 100-150 तो होंगी। और कुछ कहानियाँ हैं, पहली कहानी डर थी जो जिससे कुछ टाइम बाद शायद जम बन जाए। आपने बचपन से लेके आज तक इतनी मुश्किल का सामना किया है, तो इसके लिए आप किसको करेंगे जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस समय? ये तो मेरी माँ का ही पहला हाथ, जैसे ताजमहल खूबसूरत है पर टिका तो नींद पे है अपनी, वैसे ही माँ की वजह से ही हूँ जो भी हूँ। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार अभी तो कुछ नहीं है, पेंशन ली है बस 1-1.5 साल से शुरू हुई है, बहुत है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, ना ही चाहती हूँ मैं। काव्य जी, आप जैसे कई लोग इस दुनिया में हैं, उनके लिए कोई प्रेरणा, कोई आप कहना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती हैं? हाँ जी, किस्मत तो मत सोचिए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक उम्र है, मैं उससे इतना कुछ कर लिख सकती हूँ, तो जिनके पास पूरा शरीर है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और शिक्षा भी है, शायद उसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, बस कोशिश करते रहें। क्या बताना सर, ये तो वेरी गुड गिफ्ट और मेरे दूसरे बच्चों से अलग ही है, शुरू से ही मैं इसका ध्यान रखती हूँ, ये मेरा रखती है और
क्या बताऊँ इसकी खूबियों के बारे में, बस भगवान की देन है। अब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो इनके पापा को पेंशन मिलती है, उसी से हो रहा है। नहीं, काव्या जी के बारे में, ये तो पेंशन लगी है अगले साल से। उसके अलावा सरकार